That once he hits a back double biceps at the Olympia, there's nobody that can beat him, including Chris Bumstead, Ramon Dino, Urs Brion. They're saying his back double biceps is the best in the classic physique. हेलो गाइस तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और ये है आज का सेकंड वीडियो बट सबसे पहले गाइस सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल कि जिस तरह से मेरे हर एक वीडियो को चाहे दिन में मैं एक डालूं या दो वीडियोस डालूं आप लोग सपोर्ट करो दैट इज रियली रियली ग्रेट एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दैट एनी अब चलते हैं फर्स्ट अपडेट पे गाइस एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम इस चैनल पर ऐसा कुछ होने वाला है इस पूरे साल के अंदर जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ यस yes. आपके कान यकीन नहीं करेंगे बट डायरेक्ट लेंसफर्ट बट डायरेक्ट लेंसफर्ट लुक सुपर इम्प्रेसिव टूडे का इस यस आई मीन यस चांद कहाँ से निकला सूरज कहाँ से निकला ऐसे आप लोग कॉमेंट्स करोगे डेफिनेटली आई रियली बिलीव दैट बट मैं किसी के अगेंस्ट नहीं होगा इस इट्स माई रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बिल्कुल सच अपनी ओपिनियन आपके सामने रखूं अनबायस्ड ओपिनियन आपके सामने रखूं और इसको शुगर कोट ना करूं ऐसे इस तरीके से कि आप लोग जो सुनना चाहते हो मैं वही बोलूं नहीं गाइस चाहे सही लगे बुरी लगे बट मेरी ओपिनियन मैं आपके सामने रखूंगा एंड डायरेक्ट अभी हाड़ी छुपन के साथ लेग वर्कआउट करते हुए दिखाई दिए एंड आई एम रियली इंप्रेस्ड विद दिस अपडेट इनके लेग्स वर लुकिंग सुपर सुपर मैसिव आई मीन ह्यूज सेट ऑफ लेग्स ही कैरिंग ग्रेट सेपरेशन हम यहां पर देख सकते हैं लेग वर्कआउट करते हुए लेग एक्सटेंशन करते हुए लेग प्रेस करते हुए साइज डेफिनेटली एड करा गया और यहां पर रिटिंग भी करा गया सबसे अच्छी बात यही है क्योंकि हम यही देख रहे थे लास्ट ईयर भी डायरेक्ट ने ऑफ सीजन के अंदर यानी प्रो की गेस्ट पोजिंग के बाद साइज तो ऐड कर लिया था बट उसे रिटेन नहीं कर पाए थे प्रेप के दौरान उसे काफी हद तक लूज कर दिया था बट इस बार ऐसा नहीं होता हुआ दिखा गाइज इनके लेग्स आर लुकिंग रियली मैसिव आई मीन इसी वीडियो के अंदर आप चीज़, एक चीज और देखोगे कि डायरेक्ट वॉज सींग थैंकिंग हार्डी यस गाइज इनको इन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर मेकिंग मी बेटर तो ये काफी अच्छी मोमेंट हमें देखने को मिली दोनों के बीच में बिकॉज गाइज आप उतना ही इंप्रूव करोगे जितना इंप्रूव आपका कंपेटेटर करेगा जितना ज्यादा बड़ा चैलेंज आपका कंपेटिटर होगा आप उतना ही ज्यादा खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करोगे यही चीज़ हमें डायरेक्ट और हार्डी दोनों के केस में दिख रही है बट दिस वीडियो गाइज दिस वीडियो वॉज रियली

एंड अगर ये चीज मुझसे आ रही है गाइज इट इज कमिंग फ्रॉम मी तो आप लोग समझ सकते हो हाउ रियली गुड ही मस्ट भी लुकिंग बाकी ग्रेट सेशन गाइज एक ग्रेट वीडियो हमें देखने को मिला आपको भी अगर ये देखना है पूरा सेशन तो इोजन न्यूट्रिशन के यूट्यूब चैनल पर आप चले जाओ वहां पर पूरा वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन रियली एंजॉय एनी वेज अब यहां पर अगर डायरेक्ट की बात हो ही गई है तो आई मस्ट रियली ट अबाउट हार्डी चुपन एज वेल राइट क्योंकि ही लुकड रियली थिक फ्रॉम द बैक यहाँ पर देखो यहाँ पे सिर्फ हार्डी का ये वॉकिंग वीडियो है हमने ऐसा डायरेक्ट के वीडियो भी देख रखे हैं पहले यहाँ पर हमें देखने को मिला हार्डी चुपन का एक वॉकिंग वीडियो एंड ही लुकड रियली थिक फ्रॉम द बैक वो एक्स्ट्रा पाउंड्स अपने मसल के जो फ्रेम पर एड करें हार्डी चुपन ने क्लियरली दिख रहे थे गाइस बैक में जस्ट वॉक करते हुए दे वर टोटली विजिबल यहाँ पर इनकी बैक वर लुकिंग रियली गुड इवन फ्रॉम द फ्रंट गाइस आप यहाँ से फ्रंट पे भी देख सकते हो अभी वापस आते हैं तो हमें दिखता है वैस क्लेरिटी वगैरह हर चीज विजिबल एंड ऑन टॉप ऑफ दैट Great muscle, guys. Muscles popping out everywhere. Hardy is really peeled as well. The frame has been filled out more. एंड द गोल इज सिंपल का गोल सिंपल है कि आप डायरेक्ट को बैक से बीट तो कर नहीं सकते तो बस यहाँ पर आप चीज़ क्या कर सकते हो आप रिड्यूस कर सकते हो उस गैप को उस मार्जिन को रिड्यूस कर सकते हो जो दोनों के बीच में है ताकि जजिस को देखने पर ऐसा ना लगे कि भाई ये नाइट एंड डे का डिफरेंस है जजिस को ऐसा लगे कि ठीक है डायरेक्ट इज विनिंग बट हार्डी इज ऑल्सो क्लोज तो उसी गैप को ये थोड़ा कम करने की कोशिश करें डेफिनेटली इस बार हमें वो चीज़ दिखाई देगी बिकॉज हार्डी के बैक पर हमने आनल यू के आर्नल में ही इंप्रूवमेंट देख ली थी और अब तो उस पीरियड को भी काफी लंबा टाइम हो गया तो उसके बाद इनकी बैक अभी और ज्यादा मैसेव थिकनेस ऐड करी हुई लग रही है ही इज जस्ट ट्राइंग टू रिड्यूस द गैप बिटवीन हिमसेल्फ एंड उस डोमिनेशन की मार्जिन को बैक से कम करना चाह रहे हैं एंड ट्रस्ट मी गाइस गाइस चुपन इज इज गोइंग गोइंग टू टू बेस्ट बेस्ट यस सैमसन हम कुछ नहीं कह सकते वी कैन नॉट बी श्योर आई मीन यस सैमसन के बारे में मुझे लग रहा था इस बार अपने बेस्ट पर आएंगे जिस तरह से वो खुद को पुश कर रहे हैं आई वॉज वेरी पॉजिटिव ऑन हिम और शायद प्रेडिक्शन में उनको टॉप पर भी रख देता बट इन्होंने जैसे ही लास्ट अपडेट शेयर करी जो मैंने कवर करी थी रिसेंट वीडियो में यानी कि कल के वीडियो में ही आई थिंक कवर करी थी और वहाँ पे कंपैरिजन टाइप था एक आनरो क्लासिक की लास्ट ईयर के अपडेट के साथ तो फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे उस तरह का बिलीफ नहीं हो रहा है सैमसन और सैमसन ने अभी तक कुछ ऐसा करा भी नहीं है कि लोग उन पर इस तरह से इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग इन टर्म्स ऑफ कमिंग इन फील्ड बिलीफ या ट्रस्ट कर पाएँ तो जब तक ऐसा वो स्टेज पर नहीं आ जाता हम इस बारे में इस तरह से बात नहीं करेंगे बट इट्स गोइंग टू बी थर्ड टाइम गाइज थर्ड टाइम होगा हार्डी चुपन और डायरेक्ट लंसफर्ट एक दूसरे से लड़ते हुए हमें दिखाई देंगे एंड दो आई एम लीनिंग मोर टूवर्ड्स हार्डी मैं हार्डी की तरफ ज्यादा लीन कर रहा हूं मुझे लग रहा है हार्डी के चांसेस ज्यादा है जीतने के बट लेटली गाइज डायरेक्ट इज ऑल्सो शोइंग सब सीरियस इंप्रूवमेंट्स मे बी ओवरऑल नहीं है मे बी जहां पर अभी भी लिमिटेड है जेनेटिक्स के थ्रू वहां पर ये अभी भी लिमिटेशन शो करेंगे यानी चेस्ट के अंदर बाइसेप्स वगैरह के अंदर बट यस लेग्स में ही इज गेटिंग रियली पील्ड ही हैज एडिड सम सीरियस मार्ज साथ में बैक पर भी और ज्यादा थिकनेस एड करिए डायरेक्ट ने तो यस गाइज एफर्ट्स पूरी तरीके से डाले गए हैं वन हंड्रेड परसेंट एंड ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू कम इन पील्ड एंड कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा इस ये चीज की अगर हम देखें हार्डी इस बार जीत जाएं जिनके चांसेस वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा इस बार जीतने के अगर पॉलिटिक्स को साइड में रखे तो अगर हार्डी इस बार जीत गए लास्ट ईयर हमने देखा डायरेक्ट जीत गए थे उससे पहले हमने देखा हार्डी जीत गए थे तो हार्डी डायरेक्ट हार्डी एंड देन उसके बाद फिर से नेक्स्ट ईयर डायरेक्ट आ जाए और ज्यादा इंप्रूवमेंट करके इट विल बी रियली रियली एक्साइटिंग और एक ना कॉन्वर्जन का मुद्दा मिल जाएगा लोगों को कि भाई बहुत ज्यादा पहले की तरह ही चीज़ें वापस आ रही हैं क्योंकि देखो फिल हीट और काई ग्रीन के बाद वैसा वैसे, कॉम्पिटिशन नहीं देखा माना फिल ही जीते थे काई ग्रीन से। लेकिन हमेशा जीतते थे और, तो और इंटरेस्टिंग हो जाएंगी बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग के लिए वैसे ही हम गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं तो ये और ज्यादा गोल्डन हो जाएगा पीरियड बाकी एनी मुझे यहाँ अपडेट कैसे लगी आपको डायरेक्ट की और हार्डी की अब इसके बाद चलते जेने की जेनेमी बॉन्दिया ने प्रशन दे दी है इस बार के मिस्टोपे सिटिंग आउट यस ही इज नॉट कंपीटिंग क्योंकि इनको देखो एंकल में इंजरी हो गई थी वर भी करी थी बाकी ही इज बैक इंटू द जिम का अभी इनको जिम में वापस आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हैं अपर बॉडी को तो काफी अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हैं ही इज फीलिंग रियली गुड लोअर बॉडी में अभी तक ये ट्रेन नहीं कर पा रहे काफ़ी लंबे टाइम से अपनी लोअर बॉडी को ट्रेन नहीं, नहीं करा है बिकॉज ऑफ द इंजरी ओनली रिकवरी अभी तक चल रही है उस चीज की सो so, इनको कुछ टाइम लगे बट इट्स गुड टू सी हिम गेटिंग बैक टू हिस्स ग्रू अब अगर हमारे प्रेडिक्शन पार्ट पर गाइस तो ऑलमोस्ट हर डिवीजन की प्रेडिक्शन करी यहाँ पर एक्सेप्ट टू ट्वेल्थ डिवीजन एंड फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट मेंस फिजिक सो यहाँ पर इन्होंने किसी ऑर्डर में नहीं दिया मेंस फिजिक प्रडिक्शन को दूसरे डिविजन को ऑर्डर में दिया है दूसरे डिविजन को तो खैर ऑर्डर में दिया तो मेन्स फिजिक

अभी भी स्ट्रक्चर के बेस पे और डेंसिटी के बेस पे अली बिलाल की बैक उस लेवल पर नहीं है इस बारे में इन्होंने बात करी बाकी इसके बाद बात करी इन्होंने क्लासिक डिवीजन की और यहां पर गाइस इन्होंने बोला पहले तो देखो क्रीज पॉम्प स्टेट के बारे में ही उसके बाद सेकंड नंबर पर इन्होंने कहा कि वेजली वेजली को लेग्स उनके लिमिट करते थे बट इस बार जैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट्स कर ली है तो वेजली इज गोइंग टू बीट रामॉन डीनो और क्रिसको अच्छे से चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे ये खुद यहाँ पर जेरेमी बॉन्डिया ने बोला है उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मुझे रमांडिनो की फिजिक बहुत पसंद है लेकिन इस बार जो होता है वो मैं देखता हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ उसके साथ में कई इस, इस चीज को सिर्फ ये नहीं जजेस नहीं बहुत सारे पॉडकास्टर्स नहीं बहुत सारे प्रेडिक्टर्स नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर कोई ही प्रेडिक्ट कर रहा है एंड दैट इज द फॉर्न ऑफ प्रडिक्शन का इस आप अपनी ओपिनियन बता सकते हो बाकी जो होना है वो तो उस दिन ही होना है उसके बाद इन्होंने थर्ड प्लेस पर रखा रामाउंडो को फिर इन्होंने बात करी फोर्थ एंड फिफ्थ प्लेस के लिए उर्स कैल्स की और बियॉन एसली की कि यह दोनों फाइट करेंगे इस चीज़ के लिए उसके बाद में इन्होंने बात करी माइकल डबूल की जो कि लास्ट ईयर सिक्स प्लेस, प्लेस पर थे इन्होंने ये नहीं बोला कि माइकल डबुल सिक्स आएंगे बट इन्होंने ये बोला कि माइकल डबुल इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं साइज एड कर लिया है और टॉप टेन का पार्ट जरूर बनेंगे एनी वेज ये तो हमें भी पता है खैर टॉप टेन का पार्ट जरूर बनेंगे माइकल डबुल उनकी प्लेसिंग क्या ये हमें नहीं पता बाकी इन्होंने बात करी इस एक्स फैक्टर की, की क्लासिक डिवीजन में एक्स फैक्टर कौन होगा अब एक्स फैक्टर की यहां जब बात करी तो उन्होंने बात करी होजे मैनुअल की गाइस यस हु हैज द बेस्ट बैक एट दिस टाइम इन क्लासिक डिवीजन एंड ये मैं नहीं मैं तो पहले ही बोल चुका हूं उस पर आपने आर्ग्यूमेंट कर लिया था क्योंकि ब्रियान एसली के पास बेस्ट बैक है लेकिन जेरेमी ने अभी इस चीज को बोला है एंड ही इज जस्ट ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड गाइज यस सिर्फ बाईस साल के हैं ये और देखो किस लेवल की मसलमा से अपने फ्रेम पर

बन सकती है. तो वो चीज़ पर हमें पाता, लेकिन यहाँ में नहीं सुना सकता guys, क्योंकि इस वीडियो में काफी ज्यादा म्यूजिक चल रहा है बैकग्राउंड में और कॉपी राइट इशूज की वजह से आई के नॉट प्ले दैट बट एनी वेज अगर मैं आपको वहां नहीं सुना सकता तो मैं आपको यहाँ जरूर सुना देता हूँ There's nobody that can beat him, including Chris Bumstead, Ramon Dino, Urs Brion. They're saying his back double biceps is the best in the classic physique. So, you know, even Al this, Nobody can beat हुज ए मैनुअल इन टर्म्स ऑफ बैकडबल बाइसेपोज उन्होंने यहाँ सबके नाम लिए क्रिस के रमॉन के उर्स के और ब्रियॉन के इन सब में से कोई भी बीट नहीं कर सकते यानी ब्रियन असली भी बीट नहीं कर सकते जब ये बैक डबल पोज हिट करते हैं तो हिज बैक डबल बाइसेप इज द बेस्ट इन क्लासिक डिविजन राइट नाउ सो हाइप गाइज रियल है

बाकी गाइज़ ये थी जैरमी की प्रिडिक्शन और आई रियली होप वीडियो आपको पसंद आएगा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो या चैनल को सब्सक्राइब कर दो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है क्योंकि देखो बहुत सारे एफर्ट्स मैं भी डाल रहा हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे से सराह रहे हो उस चीज़ को तो और बताते चलो और ज्यादा डिस्कशन करते चलते हैं और ज्यादा मज़ा आएगा बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना नोटिफिकेशन मैं को भी दबा देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बाय